हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आई वेलकम यू इन दिस लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी सारा वेटेज है इसका आपके क्लास 10th बोर्ड में। आज इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर है, मैं आपको उसके सारे बेसिक आज समझाने वाला हूँ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है, क्या इस पर बेसिक क्वेश्चन आते हैं और इसके कोफिशियंट का इसके सॉल्यूशन से क्या रिलेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का ये लेक्चर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है एक्चुअल, ठीक है। जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो यहां पर लीनियर का अपना मतलब है पेयर, तो आप समझिए दो होंगी इक्वेशन जहां पर इक्वल का साइन लगा होगा और दो वेरिएबल्स होंगे। तो इसकी जनरल फॉर्म में आपको दिखाता हूं, जनरल फॉर्म कुछ इस टाइप की होगी a1x, जैसा कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो। सर ये तो रटना हो गया, समझ में तो आया नहीं, अभी मैं एग्जांपल लूंगा बिल्कुल समझाऊंगा, चिंता मत करो। दूसरी इक्वेशन इस तरीके से होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। ये दो इक्वेशन हो गई, देखिए जहां पर मतलब क्या था पेयर, तो पेयर का मतलब तो हो गया दो इक्वेशन हो गई ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम जानते हैं क्लास 9 में मैंने लीनियर इक्वेशन पढ़ाया है या आपने पढ़ा होगा, तो लीनियर इक्वेशन क्या मतलब होता है, जिसकी डिग्री वन होती है उसको हम लीनियर बोलते हैं बच्चों, सभी को मालूम है ये बात। यानी कि कहने का मतलब ये है जो वेरिएबल यहां यूज होंगे एक्स और वाई, क्योंकि दो वेरिएबल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो दो वेरिएबल होगा एक्स और वाई। लीनियर का मतलब बता रहा हूं इनकी पावर आपको हमेशा वन मिलेगी, यानी कि कोई भी केस ऐसा नहीं आएगा जहां पर आपको एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा मिलेगा या वाई के ऊपर स्क्वायर क्यूब पावर फोर अंडर रूट कुछ भी लगा मिले, ये हमेशा लीनियर फॉर्म में ही होंगे और इसका रियल लाइफ में हमारी बहुत ही मेजर यूज है, बहुत वाइड एप्लीकेशन है हमारी रियल लाइफ में, वो भी हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, एक इक्वेशन बनाते हैं, हम लोग शॉप पर गए और हम वहां से टी शर्ट खरीद रहे हैं। देखिए मैं आपको रियल लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ, और भी सारे एग्जांपल बनाएंगे आपको समझ आ जाएगा कि हाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये मतलब होता है। और हम वहां से समझ लीजिए कोई पैंट खरीद रहे हैं, हम पहले से पता लगा लेते हैं, मान लीजिए पैंट की जो कॉस्ट है वो मान लीजिए 1500 रुपीज कॉस्ट है, टी शर्ट की कॉस्ट है वो मान लीजिए आप 800 रुपीज कॉस्ट है, ठीक है बच्चों। अब हमने मान लीजिए दो टी शर्ट खरीदी, ठीक है, कितनी टी शर्ट खरीदी, दो टी शर्ट और एक पैंट खरीदी हमने वन। अगर हमें टी शर्ट की कॉस्ट मालूम नहीं, अगर हम उसे अननोन मान लें, टी शर्ट की कॉस्ट थी एक्स यानी कि 2x और पैंट की कॉस्ट अगर हम वाई मान लें तो 1y, अब इन दोनों को प्लस करें तो हमें उसे कितना बिल पे करना पड़ेगा शॉपकीपर को, और यह तो हमें मालूम ही है कि टी शर्ट जो थी वो 800 की थी, वैसे हमने उसको एक्स मान लिया अननोन रखा हुआ, तो 800 की 2 से कराओगे 1600 रुपीज तो ये हो जाएंगे, और 1500 की जो है वो एक पैंट खरीदी आपने, तो टोटल जो बिल है आपका वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3100। तो इसको इस तरीके से देखिए लिख सकते हैं 2x प्लस y और 3100 को इधर आप ले आइए माइनस में, तो ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया। देखिए ये हो गया ax, ये हो गया by या b1y और ये हो गया c1। हाँ इनकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बात समझ में आ रहा है। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, उसमें हमने एक टी शर्ट खरीदी यानी कि एक्स, पैंट अब की दो खरीद ली इस बार तो 2y, तो अब कितना बिल हो जाएगा, अब बिल हो जाएगा आपका एक्स यानी कि 800 रुपीज और ये हो जाएंगे 3000 रुपीज, तो 3800 रुपीज, यानी कि ये बन गया एक्स प्लस का 2y माइनस का 3800। बात को समझिएगा, तो एक केस के लिए मैंने दो इक्वेशन बना दी, ये दूसरी इक्वेशन हो गई और ये पहली इक्वेशन, तो ये हो गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब इनका सोल्यूशन क्या है, मतलब एक्स और वाई की जगह क्या पुट कराया जाए, तो यहाँ पे आंसर जीरो बन जाए और यहाँ पे आंसर जीरो बन जाए, तो x की जगह आप 800 पुट करा दें, y की जगह 1500 पुट करा दें, वही इसका सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन क्या है वो अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, हालांकि आपको पहले से पता है कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x और y की वो वैल्यू जो किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वो उसका क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो यहां पर बात होगी हमेशा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, यानी कि दो इक्वेशंस होंगी हमेशा, दो वेरिएबल्स होंगे और वो लीनियर फॉर्म में होंगे, यानी कि उनके ऊपर कोई भी पावर कोई भी डिग्री लगी हुई नहीं होगी एक्सेप्ट वन। बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना लीजिए, एक मैंने बना दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, एक मैंने बना दिया 4x माइनस का 9y
इक्वल टू 20 को जिस टाइप से बना दिया, तो ये एक हो गई इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। देखिए x का कोफिशिएंट a1 कहलाएगा, तो a1 की वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं, पहले आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना सीख लीजिए बच्चों, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। जैसे हमने पॉलिनोमियल में ax स्क्वायर आपको सिखाया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो abc का बहुत यूज था। अगर abc निकालना नहीं आएगा तो आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। आप कहोगे सर इसमें इक्वल में जीरो है, यानी कि सी वन इस साइड है, तो क्या हम इसमें इस साइड ले जाएं? हाँ, मैं आपको इसमें एक बात बता देता हूं, अगर इसका सी वन इक्वल में लिखा है, यानी कि इसका सी वन अगर आपका राइट हैंड साइड में लिखा है, आपने उसको प्लस टेन ले लिया, तो इसका सी टू यानी कि इसका भी कॉन्स्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में होना चाहिए। कहने का मतलब यह है, या तो दोनों सी वन सी टू इस साइड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या दोनों सी वन सी टू इस साइड हो और इक्वल में जीरो तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ना हो कि एक सी वन इधर था और एक इक्वल में था और आपने एक उसको ले लिया और एक उसको ले लिया, तब गड़बड़ हो जाएगी, साइन की गड़बड़ आ जाएगी ना। तो आप या तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए या दोनों राइट हैंड साइड, तो यहां दोनों राइट हैंड साइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए वन की वैल्यू टू हो गई, बी वन की वैल्यू थ्री हो गई, और ये रहा आपका सी वन की वैल्यू टेन हो गई। इधर ऐसे ही तरीके से ए टू की वैल्यू फोर हो गई, मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे वैल्यू निकलेगी। बी टू की वैल्यू माइनस नाइन हो गई और सी टू की वैल्यू ट्वेंटी हो गई। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब इसमें एक कंडीशन और मैं आपको बताता हूं। कंडीशन ये है, हमेशा ए वन कॉमा बी वन कॉमा ए टू कॉमा बी टू ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ए वन जीरो हो गया तो एक्स वाले टर्म खत्म हो जाएगा, बी वन अगर जीरो हो गया तो ये वाई वाले टर्म खत्म हो जाएगा, ए टू जीरो हो गया तो ये एक्स खत्म हो जाएगा, बी टू जीरो हो गया तो ये वाई खत्म हो जाएगा, तो फिर वो इक्वेशन नहीं बचेगी बच्चों। क्या थी इक्वेशन? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसका नाम ही था टू वेरिएबल्स। हाँ, सी खत्म हो जाए, सी होना हो, जैसे इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूं एक्स प्लस वाई बराबर सी होना हो, क्या फर्क पड़ता है? जीरो, सी की वैल्यू जीरो, ये हो जाएगा, सी जीरो हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर देख रहे हैं ए की वैल्यू वन है और बी की वैल्यू भी वन है, ए एक्स प्लस बी वाई, तो ए वन बी वन ए टू बी टू ये जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो टू वेरिएबल की इक्वेशन नहीं कहलाएगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहलाएगी। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म होगी बच्चों वो इस टाइप की होगी, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। पहली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट ए वन, वाई का कोफिशिएंट बी वन और कॉन्स्टेंट टर्म सी वन। दूसरी इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट ए टू, वाई का कोफिशिएंट बी टू और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको हम सी टू बोलेंगे। अब इनका बहुत सारा यूज है इनके सॉल्यूशन पता लगाने में, इनके सॉल्यूशन का नेचर पता लगाने में, तो वो हम आगे अभी जानेंगे ही। तो फाइनली हम यहां से ये कह सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये मतलब होता है दो इक्वेशंस होंगी, दो वेरिएबल्स होंगे और वो हमेशा लीनियर फॉर्म में होंगी, यानी कि उनकी डिग्री हर वेरिएबल की एक्स की और वाई की डिग्री वन होगी। दूसरी बात हमें क्या पता चली? दूसरी बात हमें यह पता चली, नोट करके अगर आप चाहेंगे तो इसको लिख लेंगे, कि ए वन बी वन ए टू बी टू ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो इक्वेशन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, दो वेरिएबल। क्लियर है बात? एग्जाम्पल बहुत सारे थे, सपोज कर लीजिए दो नंबर है, अभी और बना लेते हैं, दो नंबर है एक्स प्लस वाई, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, उनको जोड़ के दस आ रहा है और उनको माइनस करके छ आ रहा है, तो नंबर बताइए क्या है। मतलब इस तरीके से बात करें तो नंबर आपको सीधी सी बात है साफ दिखाई दे रहे हैं, आठ और दो होंगे। देखिए एट और टू को ऐड कर लीजिए, तो मैंने सिंपल इक्वेशन बनाई थी, अब इसको थोड़ा समझाता हूँ। एट और टू को ऐड कर लीजिए टेन, और एट में से टू को माइनस कर लीजिए सिक्स, तो एट और टू ऐसी वैल्यू है, यानी कि एट कॉमा टू का क्या मतलब हो गया, अगर हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें क्लास नाइन में, क्या एट कॉमा टू यानी कि एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू, तो ये वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन। ऐसा नहीं कि एक को सेटिस्फाई करे और एक को सेटिस्फाई ना करे, तो वो सिर्फ इसका सोल्यूशन कहलाएगी, इसका सोल्यूशन नहीं कहलाएगी। और अगर हम बात कर रहे हैं कि सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ऐसी वैल्यू होना चाहिए जो पहली वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और दूसरी वाली को, तो उसके बेस पे अलग अलग बातें हैं, वो अभी हम इसके बाद वही पढ़ाने वाले हैं आपको। ठीक है बच्चों, देखिए आ जाइए अब आप, तो समझ में आ गया आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब होता है। अब हम पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उससे पहले थोड़ा सा क्लास नाइन्थ में जाएंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ क्लास नाइन पे, बिकॉज बेसिक जिस बच्चे के क्लियर नहीं होंगे फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने।
तो क्लास नाइन में एक चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, याद करिए था ना, क्लास नाइन में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहां पे पेयर नहीं था, सिर्फ एक इक्वेशन होती थी। उसके आगे मैंने क्या लिखा है, उसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं, यानी कि अनगिनत सोल्यूशन। लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए, इन दोनों इक्वेशन का दुनिया में सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, इसको इसलिए हम कहेंगे यूनिक सोल्यूशन। मतलब ये हुआ दुनिया में 8 और 2 ही ऐसे नंबर हैं जिनको जोड़ के 10 आ सकता है और इन दोनों को माइनस करके 6 आ सकता है। अब आप कहोगे सर 8 और 2 को क्यों, 5 और 5 को भी जोड़ के 8 तो आ सकता है। हाँ बिल्कुल, मैं मान रहा हूं 5 और 5 को जोड़ के आ सकता है, लेकिन इन दोनों को सबट्रैक्ट कराओगे तो क्या 6 आएगा। दोनों बातें एक साथ सेटिस्फाई करके दिखाओ, यानी कि दुनिया के दो नंबर ऐसे बनाओ आप, वर्ल्ड में कोई भी नंबर चूज करके लाओ आप, जिनको जोड़ के 10 आए और माइनस करके 6 आए, वो नंबर 8 और 2 ही होंगे। हाँ माइनस करके 6 आप कहोगे सर मान लीजिए 10 में से 4 माइनस कर लीजिए, हाँ ठीक है 10 में से 4 माइनस कर लीजिए 6 आएगा, बट जब आप इनको ऐड करेंगे तो मुझे 10 चाहिए ना, ऐड करने में 14 आएगा। तो मुझे दोनों बातें एक साथ सेटिस्फाई करके दिखाइए, 8 और 2 के अलावा कोई नंबर मिलेंगे ही नहीं, इसलिए इसका सोल्यूशन यूनिक होगा। मतलब इन इक्वेशन का दुनिया में सिर्फ एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है, बट जब हम सिंगल इक्वेशन की बात करते हैं तो सिंगल इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आते हैं। समझाता हूं, सपोज कर लीजिए कोई एक इक्वेशन बनाते हैं, बहुत सारे क्लास नाइन्थ में वो भी आते थे वर्ड प्रॉब्लम, मैं इक्वेशन ऐसे बनाने नहीं चाह रहा हूं, मैं कोई केस लेना चाह रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ऐसा करते हैं, एक शॉप पे चलते हैं और वहां पे कंडीशन क्रिएट करते हैं और कंडीशन से आपकी एक इक्वेशन बनाएंगे, बिकॉज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये रियल लाइफ से रिलेटेड है। तो हम एक शॉप पे गए, वहां पे चलिए हम ऐसा करते हैं, चॉकलेट खरीदना चाहते हैं और कुकी खरीदना चाहते हैं, बिस्किट जनरली कहते हैं। तो चॉकलेट जो हम खरीदना चाह रहे हैं वो चॉकलेट मान लीजिए 70 ले लो 10 रुपीज की है, तो वो जो कुकी है वो 5 रुपीज की है, ठीक है, ये हम बाद में हटा देंगे क्योंकि ये हिडन है। और हमने ऐसा किया, इसको हाइड कर लेंगे बाद में, सपोज कर लीजिए 2 चॉकलेट खरीदी 2x और 3 कुकी खरीदी, कुकी की कॉस्ट को हमने y मान लिया, एक कुकी की कॉस्ट को y मान लिया और एक चॉकलेट की कॉस्ट को हमने x मान लिया, तो 2 चॉकलेट की कॉस्ट 2x हो जाएगी और 3 कुकी की कॉस्ट जो है 3 कुकीज की कॉस्ट 3y हो जाएगी। कितना पैसा देना पड़ेगा वो आप अपने हिसाब से मान लीजिए, वैसे तो हम इसमें देख लेंगे 10 2s are 20 और 5 3s are 15 35। अब इस चीज को हटा देते हैं, अब ऐसा थोड़ी है, हमें 3500 रुपए देने हैं, ये बात पक्की है, 3 कुकी के और 2 चॉकलेट के मिला के 3500 रुपए देने हैं। अब उनकी कॉस्ट आप इधर उधर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन चली गई, चलो चलो फिर से लिख लेते हैं जल्दी से, यह था 2x + 3y = 35, ठीक है। अब सपोज कर लो अगर चॉकलेट यानी कि एक्स, चलो ऐसा करके दिखाते हैं, टेबल बनाते थे क्लास नाइन्थ में याद होगा आपको, टेबल बनाते थे ना इस तरीके की, ऐसे बहुत सारे हो जाए, ये एक्स ले लीजिए वाई ले लीजिए, सपोज कर लो ये एक्स किसको माना था, चॉकलेट को, मान लो चॉकलेट अगर 0 रुपए की हो जाए, चॉकलेट कितने की हो जाए 0 रुपए की, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये 0 हो गया, y की वैल्यू आएगी 35/3 जो भी है 35/3, तो वैल्यू तो आ रही है ना कोई ना कोई। अच्छा x की वैल्यू अगर हम कर दें कितनी कर दें बच्चों, 5 कर दें, तो 2 5s are 10 और 10 इधर जाएगा माइनस में, सही बात ना, x की वैल्यू 5 कर दें, चलो सॉल्व करके दिखा देते हैं, x की वैल्यू 5 कर दें तो ये हो जाएगा 2 × 5 + 3 × y = 35। जो भी आप x की वैल्यू रखवाएंगे y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू जरूर आएगी, 5 2s are 10, 10 उधर माइनस में क्या 25, y की वैल्यू आ गई 25/3 जो भी है 25/3। इस तरीके से मैं ये कह रहा हूँ, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी अ यूनिक वैल्यू ऑफ y, मतलब अगर आप x की जगह 0 रखवाओ और y की जगह 35/3 रखवाओ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, अगर x की जगह 5 रखवाओ और y की जगह 25/3 रखवाओ ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, समझ पा रहे बात। चलो x की जगह अगर हम रखवा दें 10, तो 2 5s are 10, 10 माइनस में जाएगा, अच्छा अच्छा एक गड़बड़ हो गई, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, एक्स की जगह 10 रखवा दें तो 10 2s are 20, 20 माइनस में जाएगा 35 के, एक्स की जगह हमने 10 रखवाया है तो 2 10s are 20, 20 35 के माइनस में जाएगा 15 बचेगा और 3 से डिवाइड कराएंगे 3 5s, मतलब ये हुआ कि अगर हम एक्स की वैल्यू आप पुट करा के देख लीजिए 10, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, वाई की वैल्यू 5 आएगी, तो 10.5 इसका सोल्यूशन हो गया और 5.25/3 इसका सोल्यूशन हो गया, 0.35/3 इसका सोल्यूशन हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि आप x की या y की कोई भी वैल्यू रखवा लीजिए, आप y की वैल्यू रखवाएंगे x की वैल्यू निकल आएगी, आप x की वैल्यू रखवाएंगे y की वैल्यू कोई ना कोई निकल आएगी, यानी कि x की हर वैल्यू के लिए y की कोई ना कोई वैल्यू होगी,
तो वाई की हर वैल्यू के लिए एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, आप लाइफ टाइम करते रहिए, नंबर कभी खत्म नहीं होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक लीनियर इक्वेशन के, एक लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं सिंगल, तो उसके सोल्यूशन जो होते हैं वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, बट जब दो इक्वेशन आ जाती है तो उसका यूनिक सोल्यूशन होता है। मैं हमेशा नहीं कह रहा हूं कि यूनिक ही सोल्यूशन होता है, उसके तीन केस बनते हैं, यूनिक सोल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है, और नो सोल्यूशन भी होता है, वो अभी मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। दूसरी बात हम करें ग्राफ की, तो आप इसका ग्राफ जब बनाएंगे, इसका ग्राफ जब भी आप बनाएंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, हमेशा 100% एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। यानी कि जब आप इन पॉइंट्स को 0.35/3, 5.25/3, 10.5 जब आप इनको प्लॉट करेंगे तो ये सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है, यानी कि लीनियर रिलेशन, और लीनियर रिलेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ बेसिक था जो क्लास 9 से था। अब क्लास 10 पे आते हैं, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर दो इक्वेशन आ गई तो उनके सोल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उनके बेटा तीन टाइप के सोल्यूशन होते हैं, मैं सबका एग्जाम्पल आपको दूंगा, चिंता मत, सबका एग्जाम्पल। तो यूनिक सोल्यूशन होगा पहला, दूसरा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन भी हो सकते हैं, और तीसरा ऐसी इक्वेशन भी हो सकती है जिनका कोई सोल्यूशन ही ना हो। मैं बिल्कुल डिस्कस कर रहा हूं, आप चिंता मत करिए, एक एक चीज आपको समझ आ जाएगी। देखो पहला, देखो यूनिक सॉल्यूशन, देखिए मैंने क्या कहा था, दो नंबर मान ले रहा है ये, इस तरीके से दो इक्वेशन मैंने ले रखी है, हालांकि इसको रियल लाइफ में ले जाते हैं, दो नंबर हैं जिनको ऐड करके 14 आ रहा है और जिनको सबट्रैक्ट करके कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इनका सॉल्यूशन अभी हम कैसे फाइंड करेंगे वो अलग मेथड है, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो एक अलग टॉपिक आएगा कि हम इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, बट अभी हम अपना जनरल माइंड लगा के इसको कैलकुलेट करेंगे, जनरल माइंड लगा के। तो हम यहां पर देखिए क्या करेंगे, दो नंबर को जोड़ के 14 आ रहा है और माइनस करके कितना आ रहा है, माइनस करके 4 आ रहा है, तो 10+4 कितना हो गया, 14 हो गया, और 10 माइनस, अच्छा अच्छा एक मिनट रुकिए, यहां पे हम क्या करें, 8 और दूसरे नंबर लेके देखें, दो नंबर को ऐड करके बनना चाहिए 14 और उन दो नंबर को सबट्रैक्ट करके बनना चाहिए 4। तो यहां पे थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, इक्वेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यहां 6 कर दीजिए, ठीक है 6 के साथ इस तरीके से कर देते हैं। तो अब कर देते हैं, 10 में 4 ऐड करिए 14 आ गया, 10 में से 4 माइनस करिए 6 आ गया, यानी कि 10.4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्या इक्वेशन थी, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 6। अब आप 10 और 4 के अलावा मुझे कोई ऐसा नंबर ढूंढ के दिखाइए जो इन दोनों को सेटिस्फाई करते, मतलब दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनको प्लस करके 14 आए और माइनस करके 6 आए, मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या है, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, हालांकि आगे मैंने एक टेबल बना रखी है लेकिन मैं भी आपको दिखा देता हूं पहचान क्या है। इफ a1/a2, इसको नोट करके चलिएगा, नॉट इक्वल आता है b1/b2 को। मैंने क्या कहा था कि कोफिशियंट का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है, तो हमेशा याद रखना इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। देखो a1/a2, a1 की वैल्यू कितनी है 1, देखो रेशियो निकालते हैं, और a2 की वैल्यू भी कितनी है 1, और b1 की वैल्यू कितनी है 1, और b2 की वैल्यू कितनी है -1, ये आएगा 1 आंसर और ये आएगा -1, जो दोनों की आपस में नॉट इक्वल है, इस रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं, ये फैक्ट है। अगर a1/a2 नॉट इक्वल आ रहा है b1/b2 के, तो उन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो पक्का यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब वो सॉल्यूशन होगा क्या, वो अलग की बात है कि कैसे निकालें, लेकिन ये बात पक्की है कि एक ही वैल्यू ऐसी होगी जो उन दोनों को सेटिस्फाई करेगी। अब हम जानते हैं कि अगर हम एक इक्वेशन का ग्राफ बनाए तो स्ट्रेट लाइन आएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन देखो इसकी बन गई रेड वाली, मान लो रेड वाली इसकी है, मैंने ग्राफ ले लिया जनरली, और ब्लू वाली मान लो इसकी है, तो वो अपने सॉल्यूशंस अलग दिखा रही है, वो अपने सॉल्यूशंस अलग दिखा रही है, लेकिन एक वैल्यू ऐसी होगी 10.4 या कोई भी, जहां पर वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट क्यों करेंगी, क्योंकि ये वो वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि इस वाली का भी सॉल्यूशन है और इस वाली का भी सॉल्यूशन है, तो एक जगह तो कट करेंगे, यानी कि एक पॉइंट तो कॉमन आएगा ही आएगा उन इक्वेशन। अब इसका ब्रीफ ये है, यानी कि इसका कंक्लूजन ये निकला कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन इस टाइप की होती है जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2, तो उन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर उनके नेचर ऑफ ग्राफ की बात करें तो दोनों लाइनें एक जगह पे कट करेंगी, क्योंकि उनके पास एक कॉमन पॉइंट है 10.4। हालांकि इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे अलग, मैं भी पढ़ा चुका हूं ना आपको, सिंगल इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए वो लाइन जा रही है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे, यानी कि इस पे इनफाइनाइटली पॉइंट होंगे ना एक सिंगल लाइन पे, और इसके भी इनफाइनाइटली पॉइंट होंगे सिंगल लाइन पे, बट एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन आएगा, वो कॉमन है 10.4 इन इक्वेशंस के लिए। तो हमेशा याद रखो
a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 अगर आता है तो जो इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा और उनका जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही उनका सॉल्यूशन होगा दोनों का। हो गई बात क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब ये मैंने इक्वेशन बनाई है एक्स प्लस टू वाई बराबर टेन। देखो एक काम करके देखते हैं, चलो ऐसे ही देखते हैं। सपोज कर लो एक्स की वैल्यू हमने वन पुट कराई, इसमें इसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं। एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट कराई, वन, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, ये एक्स की वैल्यू चलो ऐसा करते हैं टू पुट करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आसान बना, दो पुट करा, तो ये दो उधर माइनस में जाएगा, तो दो वाई बराबर कितना बचेगा, एट बचेगा, और वाई इसके मल्टीप्लाई में टू है तो ये टू डिवाइड में जाएगा, तो वाई की वैल्यू फोर आएगी, टू कॉमा फोर। मैंने बिना कुछ सोचे समझे ये सॉल्यूशन बनाया है। अब देखना ये सॉल्यूशन इसका भी सेटिस्फाई करता होगा, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे इक्वेशन कैसी लेनी थी, ये ट्रिक है अभी दिखाऊंगा। ये भी कोफिशिएंट के ऊपर ही बेस्ड है। देखो इसमें दो पुट कराओ तो थ्री इंटू टू प्लस सिक्स इंटू फोर, तो सिक्स फोर था ट्वेंटी फोर, और थ्री टू जो सिक्स ट्वेंटी फोर, और सिक्स कितना होता है थर्टी, और इसमें थर्टी था, यानी कि मैंने सोल्यूशन बनाया इसका और वो इसको भी सेटिस्फाई कर गया, तो टू कॉमा फोर इन दोनों का सोल्यूशन है। अब एक और बनाओ सोल्यूशन, x की जगह ऐसा कर दो 6 कर दो, x की जगह 6 कर दो कि 6 माइनस में जाएगा 4 बचेगा और 2 उसके डिवाइड में जाएगा 2, यानी कि 6 कॉमन 2। अब देखते हैं इसमें 6 कॉमन 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 2, 6 टू 12, 3 6 18, 18 और 12 ये भी 30 हो, यानी कि 6 कॉमन 2 इसका भी सोल्यूशन है, इसका भी सोल्यूशन, 2 कॉमन 4 इसका भी सोल्यूशन है, इसका भी सोल्यूशन। कहने का मतलब यह है मैंने इस टाइप की इक्वेशन बनाई है, आप इसका सोल्यूशन बना लो वो पक्का इसका भी सोल्यूशन होगा, यानी कि जितने पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे उतने पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, और एक लाइन को सेटिस्फाई करने वाले कितने पॉइंट होते हैं, अभी बताया था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, तो जब इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ रहे हैं तो इसके भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे। बट ये बनी कैसे इक्वेशन, तो मैं ये कह रहा हूं ये बनी नहीं। अब आप इसमें एक बात देखो, ये आपको बेवकूफ बनाया गया, ये आपको बेवकूफ बनाया गया, मैं अब आपको दिखाता हूं। ये इक्वेशन थी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टेन, आपको याद होगा हम दोनों साइड किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करा दें दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 3x, 3 2 ये हो जाएगा 6 y, 3 10 ये हो जाएगा 30, यानी कि सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया गया, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कराई गई थी बस, यानी कि जो इक्वेशन ये है वही ये है, बस इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिए लिख दिया गया, जैसे आपको सिखाया गया कि अगर कुछ कॉमन मिला करे तो कॉमन ले लिया करो, तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, कहोगे सर 3 मिल रहा है, तो ये क्या बचेगा एक्स, थ्री टू जा और इधर हो गया 30, फिर ये 3 जाएगा डिवाइड में, तो एक्स प्लस टू वाई कितना बचेगा, 10 बचेगा, यानी कि वापस से देखो वही इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, तो ये इक्वेशन सेम है, तो ऑब्वियसली बात है जो इसके सॉल्यूशन होंगे वही इसके सॉल्यूशन होंगे, जब इक्वेशन ही सेम है तो, और सेम इक्वेशन है तो सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, इसलिए इनके जो ग्राफ होते हैं वो सेम लाइन पे आते हैं, पहली वाली का भी यही ग्राफ है और दूसरी वाली का भी यही ग्राफ है, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन जाएगी। इन लाइंस को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, जैसे पीछे वाली लाइन को क्या बोल रहे थे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसे इन लाइंस को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, बिकॉज इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, जो पॉइंट इसका होगा वही दूसरी का होगा, जो पॉइंट इसका होगा वही दूसरी का, जो पॉइंट इसका वही दूसरी का, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बन जाएंगे, हर पॉइंट पे वो एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ही आ गई। अब मैंने क्या कहा था, दो अलग अलग है ही नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ एक दूसरे के ऊपर क्या आ गए, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है, वो इक्वेशन ही सेम है तो सेम लाइन तो आएगी। अब इसकी कंडीशन क्या है सर, रेशियो के हिसाब से बताइए इसकी कंडीशन क्या है, तो इसकी कंडीशन ये है a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। चलो करके देखते हैं, ये 1 है और ये 3 है, तो a1 upon a2 क्या आएगा 1 by 3 आएगा, b1 upon b2 क्या आएगा, ये 2 है ये 6 है, तो 2 upon 6, 2 1 है 2, 2 3 है 6, देखो ये भी 1 by 3 आ रहा है, 10 upon 30, c1 ये है और c2 ये है, इसका रेशियो निकालो 10 1 है 10, 10 3 है 30, तो सारे ही क्या आ रहे हैं A1 upon A2, B1 upon B2 और C1 upon C2 की वैल्यू क्या आ रही है 1 by 3। बहुत ध्यान से समझ लो इसको, बहुत ही सिंपल है। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर A1 upon A2, B1 upon B2 और C1 upon C2 सारे इक्वल आ रहे हैं तो उन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। अगर सिंगल इक्वेशन है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, बट अगर इक्वेशन हो गई दो तो तीन टाइप के सॉल्यूशन होंगे बच्चों। एक यूनिक सॉल्यूशन पढ़ा दिया, क्या कंडीशन A1 upon A2 नॉट इक्वल टू B1 upon B2, दूसरे हो सकते हैं इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, ये हमारे क्लास 10 का याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन में क्या होगा a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, ये लॉजिक है याद करने का, लेकिन ये बना कैसे, दैट
वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. वो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वही थी, आया कहां से, इक्वेशन कैसे बनी, मैंने आपको बता दिया. अब इक्वेशन मल्टीप्लाई करके बना दिए, आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो इस वाली में, 5x, 5 टू द 10y और 5 टू द 50, इनफाइनिटली मैंने सॉल्यूशन आएगा. लाइन कैसी आएंगी, ग्राफ कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, याद रखो. अब बचता है तीसरा नंबर हमारा, नो सॉल्यूशन कब आएगा. देखो एक इक्वेशन बनाई बहुत बढ़िया, दो नंबर है मान ले, है ना, उनको प्लस करके 10 आ रहा है और वो दो नंबर है उनको प्लस करके 30 भी आ रहा है. हाउ इज इट पॉसिबल, यानी कि दुनिया में कोई दो नंबर ऐसे होंगे जिनको प्लस करके 10 आ जाए और जिनको प्लस करके 30 आ जाए, नहीं होंगे, ऑब्वियसली बात है, तो नो सॉल्यूशन. हाँ, इसके अलग अलग बहुत हो जाएंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 1 कर दो तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी, यहाँ 2 कर दो तो 8 हो जाएगा, 3 कर दो तो ये 7 हो जाएगा, इसके अलग अलग हो जाएंगे. यहाँ पे अगर आप 1 कर देंगे तो ये 29 हो जाएगा, 2 कर देंगे तो ये 28 हो जाएगा, 3 कर देंगे तो ये 27 हो जाएगा. तो इनके अलग अलग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, लेकिन कॉमन सॉल्यूशन कोई नहीं होगा, यानी कि दुनिया में कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे और इसको भी. अरे खुद ही बताओ कैसे हो सकती है यार, ये बताओ, दोनों को प्लस करके 10 आए, दोनों को प्लस करके 30 आए, बेवकूफ थोड़ी है ना, इतना तो आप समझते ही हैं. बट पढ़ाया जाता है रटा रटा के कि भाई सिर्फ रेशियो रटाए जाते हैं, ये जो रेशियो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये रटा दिए जाते हैं, बच्चों को कभी समझ ही नहीं आता कि यार ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है. मैंने सारे रियल लाइफ के एग्जाम्पल लेके आपको समझाया. अब इसकी कंडीशन देखते हैं, देखो a1 upon a2 यहाँ पे इक्वल आएगा b1 upon b2 के, देखना, लेकिन नॉट इक्वल आएगा c1 upon c2. देखो a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू भी 1 है, b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू भी 1 है, c1 की वैल्यू 10 है, c2 की वैल्यू 30 है, यानी कि ये बचेगा 1/3, तो ये नॉट इक्वल. अगर a1 upon a2 नॉट इक्वल हो गया b1 upon b2 तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा. अगर ये इक्वल आ रहा है तो तीसरे पे भी चेक करो c1 upon c2, अगर ये इक्वल आया तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नॉट इक्वल आया तो नो सॉल्यूशन. तो नो सॉल्यूशन की बच्चों ये कंडीशन बन गई हमारे पास, a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2. अब बात करेंगे इसके ग्राफ की, तो मुझे ये बताओ जब इनमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, यानी कि कोई भी वैल्यू कोई ऐसी नहीं है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, तो इसका मतलब ये हुआ जो इसकी लाइन एक अलग बनेगी स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियसली बात है, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए मैंने 9th वाला बेसिक क्लियर कराया था, और इसका भी स्ट्रेट लाइन होगा. तो वो स्ट्रेट लाइन जिनमें कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो, यानी कि वो लाइन जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट ना करे. तो मुझे इतना बता दो, अब आप खुद ही समझ जाओगे, ये सबको रटाया जाता है कि नो सॉल्यूशन वाली जो लाइनें बनेंगी वो पैरेलल बनेंगी. अरे क्यों बनेंगी पैरेलल, तो नो सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया दे हैव नो एनी पॉइंट इन कॉमन, यानी कि दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. और जो लाइनें कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं वो लाइनें कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं. बात समझ आ रही है, याद रखना नो सॉल्यूशन का जो ग्राफ होगा कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा, इसलिए उनका जो ग्राफ आएगा नो सॉल्यूशन का वो पैरेलल लाइंस होंगी हमेशा, पैरेलल लाइंस. हाँ, वो हो कहीं भी सकती हैं, मान लो ये ऐसे जा रही है तो ये ऐसे जा सकती है, ये ऐसे जा रही है तो ये ऐसे जा सकती है, ये यूं जा रही है तो ये यूं जा सकती है, इसके इधर जा सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन याद रहे कि पैरेलल लाइन होंगी. क्या कंडीशन है, a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2, इसका टेबल मैंने आगे बनाया, चिंता मत करो, नॉट इक्वल टू c1 upon c2, ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल लाइंस. अब आपको बात समझ में आ रही है, देखिए आगे चलते हैं. ये रहे तीनों ग्राफ एक साथ, यूनिक सॉल्यूशन जब होता है एक पॉइंट कॉमन में होगा, यानी कि वन सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट आएगी ग्राफ, और पैरेलल लाइन जब नो सॉल्यूशन होगा, नो वन नो कॉमन पॉइंट, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा. ये रही बात नेचर ऑफ सॉल्यूशन फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, देख लीजिए बहुत ध्यान से. लीनियर इक्वेशन देखो, अब एक बात समझ लो, जिसका जिस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, जो वो लीनियर इक्वेशन जिनके पास सॉल्यूशन होगा, वो चाहे सॉल्यूशन यूनिक हो या फिर कैसा हो, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन होना जरूरी है इनफाइनाइट. तो जिनका सॉल्यूशन होता है उनको कंसिस्टेंट बोलते हैं, याद रखना, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट लाइंस. देखिए तो पहला आ गया कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट में इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हो गई, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, कंडीशन हो गई a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 upon b2, आपको ये बनाना है बस. दूसरा हो गया इनकंसिस्टेंट, इसमें पैरेलल लाइंस आएंगी, यानी कि नो सॉल्यूशन वाला, कंडीशन होती है a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 upon c2. इसका ग्राफ ये हो गया और इसका ग्राफ ये हो गया और इसका ग्राफ तो ये है. तो मेनली जितना भी मैंने पढ़ाया उसका कंक्लूजन इस पेज में है सारा,
ये आपका आज का एक लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, इस पे मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हुए एनसीईआरटी से। ये क्वेश्चन इस तरीके क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। हाँ, एक बात मैं आपको और बताता चलूं, ये मैं आपको बुक वाइज नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज बुक वाइज अगर मैं पढ़ाऊंगा तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। बुक वाइज से मेरा मतलब एक्सरसाइज वाइज। मैं आपको अपना मेथड बता देता हूँ कि क्या मेथड रहेगा हमारे पढ़ने का। मैं पहले सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम ये है, और उसके बाद मैं आपको सारी वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम एक मेरे हिसाब से तो एक अलग ही कहना चाहिए सेक्शन है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कैसे सोचना है, किसको एक्स मानना है, किसको वाई मानना है, इक्वेशन कैसे जनरेट करना। सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराऊंगा, यानी कि इक्वेशन बनी बनाई आएंगी और आपसे सोल्यूशन पूछा जाएगा या बता दिया जाएगा यूनिक सोल्यूशन है ये वो। फिलहाल अलग अलग क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। तो ये हमारा तरीका होने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने का, ठीक है। एक्सरसाइज वाइज मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, अभी बता देता हूँ। तो फिलहाल इसीलिए मैंने ये दो क्वेश्चन ले रखे हैं जो इस लेक्चर से हमारे रिलेटेड है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये मिलेगा, आपको कंपेयर करना है। देखो लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2। आपको ये बताना है ये जो लाइनें बनेंगी इन ग्राफ की इंटरसेक्टिंग होंगी एक पॉइंट पर, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट। आपको मालूम है डिपेंड करेगा यूनिक सॉल्यूशन पर, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पर और नो सॉल्यूशन पर, और तीनों का हमें क्या मालूम है, रेशियो की कंडीशन। जैसे पहला वाला लेते हैं, पहले वाले में अगर हम देखें A1 की वैल्यू 5 है, पहले वैल्यू निकाल लें सारी, B1 की वैल्यू -4 है और C1 की वैल्यू 8 है। इसी तरीके से दूसरे वाले में A2 की वैल्यू 7 है, B2 की वैल्यू 6 है और C2 की वैल्यू -9 है। यहाँ पे अगर हम देखें तो A1/A2 जो आएगा वो 5/7 आएगा, अलग निकालना है, और B1/B2 आएगा वो -4/6 आएगा, जिसको हम कह सकते हैं -2/3। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे हेयर A1/A2 ≠ B1/B2, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन पे लाइंस कैसी होती है बताओ, इंटरसेक्टिंग लाइन। इस तरीके से आपको पता लगाना, इनको अलग अलग निकालिए पर देखिए इक्वल है या नहीं। सेकंड वाला क्वेश्चन होमवर्क में करिए और थर्ड वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में करिए, बहुत आसान है, सिर्फ मुझे दिखाना था आपको, ठीक। नेक्स्ट पे आइए, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। रेशियो कंपेयर करके ये पता लगाना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मैंने मतलब बताया था आपको, यूनिक सॉल्यूशन आया तब भी कंसिस्टेंट लिखोगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आया तब भी कंसिस्टेंट लिखोगे, नो सॉल्यूशन आया तो इनकंसिस्टेंट लिखोगे। कैसे, चलो एक फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। A1 की वैल्यू 4/3 है, A2 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू 3 है, C1 की वैल्यू 8 है, C2 की वैल्यू 12 है। तो A1/A2 निकालते हैं, A1 की वैल्यू 4/3 डिवाइडेड बाई A2, तो डिवाइड में चला जाएगा यानी कि 1/2 हो जाएगा, वो 2 का 1/2 बन जाएगा, 2 का 4, यानी कि इसका आंसर आया 2/3। इसी तरीके से B1/B2, ये भी 2/3 दिख रहा है साफ। इसी तरीके से C1/C2, 8/12, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर A1/A2 ≠ B1/B2 ≠ C1/C2, यानी कि कौन सा केस है, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का, बट एटलीस्ट सॉल्यूशन तो है ना, और जब भी सॉल्यूशन होगा तो वो क्या होगा, क्या माना जाएगा उसको, कंसिस्टेंट लाइंस हैं ये, कंसिस्टेंट इक्वेशन है। बात खत्म हो गई, बाकी के स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, ये इंट्रोडक्शन था सिर्फ, आप इस तरीके से समझ लीजिए, और जो बेसिक बातें थी लीनियर इक्वेशन के बारे में कि उसके कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, कैसे ग्राफ होते हैं, उसके कोफिशियंट का क्या लेना देना होता है उसके सॉल्यूशन से, एक एक चीज को मैंने आपको कहना चाहिए विजुअलाइज करके और प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और कोई डाउट नहीं रहेगा। फर्दर अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।